दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रकार के ब्रिजेस मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारे भारत के बंगाल राज्य में बना हावड़ा ब्रिज है, जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको हावड़ा ब्रिज की एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज की खूबसूरती के अलावा इसके दूसरे पहलू से भी रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। कोलकाता में एक करीब आज से 80 साल पहले बनाए गए हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। पर दोस्तों इस खूबसूरत ब्रिज को बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च हुए, तभी तो ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव ब्रिजेस में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अविश्वसनीय पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ब्रिज को बनाने के लिए पैसे से ज्यादा दिमाग खर्च हुआ। असल में दोस्तों अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें तो ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेज राज किया करते थे, और उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश का राज होने की वजह से पूरा देश उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलता था। तो उस वक्त सरकार ने हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली नदी पर तैरने वाले पुल के निर्माण की कल्पना की। लेकिन इस नदी पर तैरता हुआ पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली ये नदी बहुत ही गहरी और चौड़ी थी, और इसी कारण नदी में बहुत से बड़े बड़े जहाजों का आना जाना रहता था। दोस्तों यहाँ पर दैनिक आवागमन के लिए 1874 में सबसे पहले 23 लाख की लागत से निर्मित तैरने वाला पुल बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई 62 फीट थी। लेकिन दोस्तों जब 1907 में हावड़ा स्टेशन बन गया तो उसके बाद ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वर्तमान पुल पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होने लगा था, और जो जहाज आ रही थी उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाने का फैसला किया जो पूरी तरह हवा में मौजूद रहे, और इसकी वजह से नदी पर आने वाले जहाजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ना ही ब्रिज के ऊपर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि सन 1971 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया, लेकिन फिर भी इस योजना को बनने में बहुत वक्त लगा। पुल को बनाने का काम सन 1935 में शुरू हुआ, और काम शुरू होने के करीब 7 साल बाद यानी कि 1942 में पुल बनकर तैयार भी हो गया। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस पुल के बनने से पहले नदी पर एक तैरता हुआ पुल था, किंतु वो पुल बहुत ही छोटा हुआ करता था, जिसकी वजह से उसमें पानी भर जाता था और इस कंडीशन में पुल पर जाम हो जाता था। इसी वजह से एक नया पुल बनाने की योजना बनाई गई, और फिर जब इस पुल को बनाने का काम ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया तो उस वक्त कंपनी से ये कहा गया था कि वो भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करे, क्योंकि पुल बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी को ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी कि वो दूसरे देश से स्टील को मंगाकर पुल का निर्माण करे। और फिर हावड़ा ब्रिज में लगने वाले स्टील को टाटा स्टील ने बनाकर तैयार कर दिया, और आपको बता दें इसके एक पार्ट के ढांचे का फैब्रिकेशन ब्रिज बनाने वाली कंपनी ने कोलकाता के 4 खानों में किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस पुल को बनाने के लिए कुल मिलाकर 26,500 टन स्टील की खपत हुई, जिसमें से 23,500 टन स्टील केवल टाटा स्टील द्वारा ही सप्लाई की गई थी। उसी के साथ इस ब्रिज को बनाने के लिए 19वें दशक में टोटल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतने भारी संख्या में स्टील और पैसे खर्च करने के बाद ये शानदार पुल बनकर तैयार हुआ, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि 82 मीटर ऊंचा, 705 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़े इस पुल में सभी लोगों के 7 फुट चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया, ताकि इस पुल से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, फिर चाहे वो वाहन चालक हो या फिर पैदल चलने वाला इंसान हो, हर कोई इस पुल से आसानी से आ जा सकता है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि सन 1942 में इस पुल के निर्माण के बाद पूरे 1 साल तक इस ब्रिज को चेकिंग के लिए रखा गया, ताकि जब इसे शुरू किया जाए तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना देखने को ना मिले। क्योंकि शायद आपको ये बात ना मालूम हो, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से पुल और बिल्डिंग वगैरह बनाई गई है जो शुरुआत में तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब उनका इस्तेमाल किया गया तो वो गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है
और कितनी तो जाने भी जा चुकी हैं। अब इस तरह की हरकत ना हो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने पूरे एक साल तक इस पुल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और जब सारे नतीजे सही निकले तब जाकर साल 1943 में इस पुल को लोगों के लिए खोला गया। असल में दोस्तों, भारत का ये शानदार पुल जब बनकर तैयार हुआ तो इस पुल का नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज, लेकिन उसके बाद 14 जून 1965 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, नाम बदलने के बावजूद भी आज भी इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज ही है और दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं और बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है। पर दोस्तों, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये हावड़ा ब्रिज संसार में मौजूद गिने चुने ब्रिजेस में से एक है। खूबसूरती के साथ साथ शानदार इंजीनियरिंग का नमूना आपको यहाँ देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हावड़ा ब्रिज भारत में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े लीवर ब्रिज और सबसे व्यस्त ब्रिजेस में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे, हम इतनी देर से हावड़ा ब्रिज की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, सामान्य रूप से जितने भी पुल होते हैं उनके नीचे खंभे लगे रहते हैं जिन पर पुल टिका रहता है, लेकिन हावड़ा ब्रिज में केवल 4 ही खंभे मौजूद है जिसमें से 2 नदी के इस ओर है और 2 उस ओर बनाए गए हैं। इसी वजह से ब्रिज दिखने में बहुत अद्भुत लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कोलकाता में बने हावड़ा ब्रिज के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। तो और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।